इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों की सुर्खियां। 7 तारीख से कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन में होगी रियायत, 15 तारीख से हो सकता है अनलॉक। आज लॉकडाउन खिलाफवर्जी को लेकर 321 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 60 गाड़ियां हुई जब्त। लॉकडाउन खिलाफवर्जी, वड़गांव में कपड़ों की दुकान पर कार्रवाई, दुकान को किया सीज, 2 पर मुकदमा दर्ज। वजीर आला यूरोप्पा ने कहा लॉकडाउन को लेकर हुकूमत करेगी मशवरा, कुछ पाबंदियों के साथ रियायत देने पर तबादले ख्याल। एसएसएलसी सेकेंड ईयर इम्तिहान पर लिया जाएगा जल्द फैसला। 4 तारीख से 6 तारीख तक बैंक कारोबार रहेंगे बंद, 3 दिन सख्त लॉकडाउन का रहेगा असर। वजीर सेहत ने कहा ब्लैक फंगस के मरीजों में हो रहा है इजाफा। तांडेली में नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश, 70 लाख से भी जायद नकली नोटों को जब्त करने की इत्तला, 6 को किया गिरफ्तार। अंजुमन कोविड केयर सेंटर को फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से दवाइयों की इमदाद, डीसी बेलगाम को किए तकरीबन 15 लाख के दवाइयां सुपुर्द, जिला के मुख्तलिफ कोविड सेंटर्स को दिए जाएंगे। आज फिर अंजुमन कोविड सेंटर से 12 मरीज हुए डिस्चार्ज। कर्नाटक में जल्द मानसून होगा दाखिल, बारिश 100% से भी ज्यादा होने की इम्कान, कुदरती आफत के लिए इंतजामिया तैयार। कोरोना के साथ पेट्रोल डीजल की मार भी मुस्तकिल जारी, आज फिर पेट्रोल 26 पैसे महंगा। बिम्स के नर्सेस का सवाल, हमें क्यों नौकरी से निकाला, हमारा क्या गुनाह। लक्ष्मण सऊदी के दौरे के बाद की गई थी कार्रवाई, आवाम में नाराजगी का इजहार। शहर और अतराब में रहने वाले बैरूनी रियासत के लोगों पर भुखमरी की नौबत, किसी तरह की इमदाद न मिलने से मरने की कगार पर मुलाजिम, हुकूमत कर रही है नजरअंदाज का इल्जाम। और आखिर में पृथ्वी सिंह फाउंडेशन की जानिब से सहाफियों को मास्क सैनिटाइजर किया तकसीम, एसीपी चंद्रप्पा भी रहे उस वक्त मौजूद। सुर्खियों के बाद अहम मौजू पर एक नजर। आखिर मुस्लिम माशरे में क्या कमी है, किस वजह से पिछड़ता जा रहा, आखिर इसका हल क्या है। मुस्लिम जमाते, मोहल्ले की जमाते या मोहल्ले के जिम्मेदारान आखिर किस काम में पीछे रह रहे, उलमाओं का क्या किरदार होना चाहिए था, वो क्यों नहीं कर पा रहे। खैर, मुस्लिम समाज का इस तरह बिखरना शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। पूरी उम्मत की तस्वीर को अगर अपनी नजरों से सामने रखेंगे तो तकरीबन एक जैसे हालात दिखाई देते हैं। फिर तस्वीर आलमी सतह की हो या भारत के मुसलमानों की, लिहाजा हर गली मोहल्ले में मुस्लिम समाज का वो नौजवान जो कौम का मुस्तकबिल होता है किस अंधेरे में भटक रहा है, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। खासकर उन लोगों का तस्करा भी जरूरी होगा जो अपने आप को नाम निहाद दीनदार समझते हैं, पिछले कुछ अरसे से यह पस्ती और शिद्दत अख्तियार करती देख सकते हैं। तमाम हालात को किसे जिम्मेदार ठहरा जाए, इस पर बारहा बहस हो चुकी है, पर हमेशा जख्म तो उजागर होते हैं पर मरहम नजर नहीं आता। दीनी जमाते, दीनी मजलिसें, इबादतें, जिक्र अस्कार, सब कुछ ठीक ठाक चलने की बात तो होती है, पर आने वाले दिन में पहले के मुकाबले मायूसी पस्ती ही देखी जा सकती है। अगर इन तमाम बातों का अगर हल तलाशने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ पर भी इत्तेफाक राय नहीं, सबको इत्तेहाद की जरूरत है। पर हमने अपने दिलो जहन में अलग अलग बुत बनाए रखे हैं जिनके परस्तीश हम हर लम्हा करते हैं। कुछ मजबूरियां जब आती है तो महफिलों में, उमूमन बड़े इजलासों में इत्तेफाक तो रखते हैं कि अब वक्त आपसी इख्तलाफ का नहीं है और हमें एक हो जाना चाहिए, पर जब महफिलों मजलिसों से अलग हो जाते हैं तो अपने मसलक, अपनी जमात, जमात के मौलवी, जमात की किताबों पर किसी तरह का समझौता करना नहीं चाहते। इस बात में किसी को भी दो राय या शक नहीं होना चाहिए कि दुश्मनों की तैयारियां कितनी है और दुश्मन का हर लम्हा साजिशों के जाल बुनने में सर्फ रहता है। पर अफसोस के सब कुछ हमें मालूम होने के बाद भी
हम किसी एक बात पर मुत्तहिद होने को तैयार नहीं है। सबको ऐसा लगता रहता है जैसे अगर यह मजलिस या जमात जो मुख्तलिफ मसलकों के ख्यालात के लोगों को लेकर बनाई जा रही है, आगे चलकर इसका फायदा कौन उठाएगा, शायद सामने वाला उठा ले जाए। इसी बदगुमानी में हमारी कमेटियां, तंजीम इदारे एक जगह पर संजीदा मसलों पर बैठ नहीं पाते। हजारों कमेटियां तश्कील की गई, हजारों इदारे वजूद में आए और खत्म भी हुए। बहुत छोटी सोच रखकर हम जब बड़े मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे तो हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते और ना होंगे। खैर, दुनिया का जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज्जत चलाना चाहता है वो चलाएगा। इसराइल फलस्तीन पर सोच कर कट्टों पर तब्दीलियां लाने की बातें हमारे यहाँ हर रोज होती है। मेरा तो कहना यह है कि फलस्तीन हो या तुर्की, अफगानिस्तान, इस पर हमें ज्यादा सोचने के बजाय गली मोहल्ले की जमातों को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर तवज्जो दी जाए। मस्जिद के जिम्मेदार ऐसे होते हैं जो खुद भी कौम के हक में इकदाम ना करते हैं, ना दूसरों को इसमें पेशकदमी करने देते हैं। अगर कुछ नौजवान जिम्मेदारियां संभालना चाहते हैं तो नौजवानों के नुक्स निकाल कर इन्हें भी रोका जाता है। अगर बेलगाम शहर हो या फिर किसी भी शहर का मामला हो, हद दर्जा आपसी नफरत मुसलमानों में देखी जाती है। अगर कोई आगे बढ़कर कुछ करना भी चाहता है या हिम्मत से हर मसले में मुश्किल वक्त में पहल करता है तो इसे किसी तरह नीचे खींच कर बढ़ते हुए कदमों को जब तक रोक नहीं देते पूरे लोग इत्मीनान की सांस नहीं लेंगे। लॉकडाउन में अगर किसी का दुकान शुरू है, यानी कि कोई तिजारत कर भी रहा है, जब तक सब मिलकर पुलिस को इत्तला देकर उस दुकान को बंद नहीं करेंगे, मोहल्ले के दुकानदार चैन से नहीं बैठेंगे। जब बुराई की ना बुग्जी से इंतहा तक हो तो कैसे यह कौम और कौम के अफराद किसी मजबूत इकदाम में खड़े होंगे। बुजदिली की इंतहा तो यह है कि अगर कोई म्यूनसिपालिटी का मुलाजिम भी खाकी कपड़े पहनकर गली से गुजरता है तो हमारे नौजवान पुलिस समझकर घर में छिप जाते हैं। क्या ऐसी नस्ल से किसी इनकलाब की उम्मीद कर सकते हैं? हमारा सरमाया, हमारी काबिलियत कहां खर्च हो रही है? यकीनन अल्लाह ने कुदरती तौर पर हिम्मत इस कौम को दी है, पर जब से हिकमत का वैक्सीन लगने लगा है हर कोई आखिरी दर्जे के ईमान में ही मुतमईन होने में लगे हैं। मिल्लत के रहनुमा दीनी रहबर भी माशरे को सुधारने के बजाय दीगर कामों में अपना वक्त सर्फ करने में लगे। अब दीनी रहनुमा या रहबर भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे पुलिस थाने का रुख करना पड़े, इंतजामिया से सवाल करें, वालिदैन बच्चों की तरबियत से काफिल हुए, जिसका नतीजा बच्चे कट्टों पर देर रात तक टिकटॉक, पबजी या दीगर खुराफात में वक्त गुजारने में लगे। इन्हें क्या दीन, क्या इस्लाम और क्या गलबे दीन की फिक्र। वही दूसरी ओर लड़कियों का भी मामला यही हाल है। लॉकडाउन की वजह से ये सब घरों में बैठे, वरना तो इनके पास सहेलियों के बहाने या एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने कहां कहां वक्त नहीं गुजारते। माँ बाप को पता ही नहीं रहता कि बच्चे कहां अपना वक्त गुजार रहे। कौम का सरमाया नशा गांजे का आदि होता जा रहा है। कौम के सैकड़ों मसाइल है और खुद अपने घर के इतने मसाइल होते हैं, बजाय उन्हें सुलझाने के फिजूल दोस्तों के महफिलों में रात दिन सर्फ करते रहते हैं। वालिदैन लॉकडाउन में किस तरह घर की रोजमर्रा की गाड़ी कैसे खींचे इसमें परेशान है। यह बात है उन गरीब या दरमियानी क्लास के लोगों की, वही अमीर और बड़े पैसे वालों का मामला अलग है। ये अगर लॉकडाउन वगैरह ना होता तो अब तक इनके तीन तीन चार चार उम्रे हो भी चुके होते। तमाम लोगों ने कुछ राशन किटिया खाने के पैकेट्स को तकसीम करने का काम शुरू किया। एक और सच्चाई है कि यकीनन सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमें इदारे मुस्लिम समाज में अक्सर करते भी रहते हैं। बाढ़ हो या कुदरती आफत किसी तरह की, जिसमें माशरे के तकरीबन नौजवान अपने आप को इस कामों में झोंक देते हैं। यहाँ तक कि कोरोना दौर में भी गैरों के अंतिम संस्कार को भी अंजाम दिया। सामाजिक खिदमत करना बहुत अच्छा है और खासकर यह जज्बा इस कौम में पाया जाता है, पर क्या यह कौम महज इस काम के लिए दुनिया में उतारी गई है? सामाजिक खिदमत माशरे की भलाई का एक हिस्सा हो सकता है। दीनी इबादतें, जिक्र अज़कार की महफिलें भी इसी तरह एक शोभा हो सकता है। इसके बाद भी माशरे के कुछ काम हैं जहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, उस पर कोई अमल करना पसंद नहीं करता, और वह है माशरे के दहकते मौजू, माशरे का तहफ्फुज़, माशरे के कानूनी पहलू जहां पर बेवजह जुल्म होता रहता है। यहां पर माशरा कोमा में चला जाता है। ऐसा हर काम हमारे लोग करना चाहते हैं जिसमें किसी तरह का रिस्क ना हो, किसी तरह का खतरा ना हो। मुस्लिम माशरे को अल्लाह रसूल पर आजकल कोई भी कुछ भी कहता रहता है। अब तो सियासी कामयाबी अगर कोई हासिल करना चाहता है तो मुस्लिम समाज को निशाना बनाए बगैर सियासी ऊंचाई हासिल ही नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में जिस तरह सामाजिक खदमात में पेश पेश रहते हैं, कानून के दायरे में सवाल पूछने वाले बने, मस्जिद की जमात, मोहल्ले की जमात इस कदर मजबूत होनी चाहिए हर मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर सवाल करने वाले रहे। कुदरती आफते या बलायत वबाएं कभी कभार आती रहती है, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में हर मसला मुस्लिम माशरे के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसका एहसास और इस पर चाको चौबंद रहना भी जरूरी है।
पुलिस मोहकमा डीसी कमिश्नर से हमारी जमातों के जिम्मेदार रबते में रहे। मोहल्ले के किसी फर्द की गिरफ्तारी करने से पहले जमात के जिम्मेदारों को इसकी इतला हो, उस हद तक जमातों का रसूख इंतजामिया में होना चाहिए। पर मामला इसके बरक्स नजर आता है। उलमा दीनी रहबर तो इसके करीब करीब जाना भी नहीं चाहते। अल्लाह के डर की बातें मिंबरों से बयानात में होती रहती है, पर मैदान में उतर कर किसी को सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रहती। लिहाजा कुल मिलाकर मोहल्ले की जमातों को मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। अब गली मोहल्ले के मसले तो हल करने के काबिल नहीं रहते, पर फलस्तीन, सीरिया और अफगानिस्तान के मसलों पर तस्करे करते रहते हैं। खैर, दुनिया के तमाम मुसलमानों की फिक्र जरूरी है, पर घर के बच्चों का पता नहीं। घर की लड़कियां, जो घर की इज्जत होती है, इस पर हमारी तवज्जो नहीं। गली मोहल्ले में हर रोज झगड़े के सिवा हमारी सुबह नहीं होती, और दुनिया के मुसलमानों का जायजा लिया जाता है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आपके औकात नहीं कि आप उलमाओं पर बोले या मौलानाओं पर, और सच भी है कि हमारे औकात नहीं है कि हम इन पर कुछ तंज करें। इसके बावजूद क्या आज भी दीनी रहनुमा हमारे लिए रहबर नहीं है? क्या इनकी जिम्मेदारियां नहीं है? क्या महज दीनी मजलिसों या मैयत शादी ब्याह निकाह में ही ये दफ्तर लेकर पहुंचेंगे? क्या तलाक के मसले पर ही ये पेश रहेंगे? कहते हैं माशरे की अच्छाई और बुराई का जिम्मेदार या तो मौलवी या होता है। पूरी कौम सरकश हो चुकी है, इस पर किसी भी बातों का असर नहीं हो रहा। मस्जिद का इमाम अपने महदूद कामों को अंजाम देता है तो मुअज्जिन अपने वक्त पर अजान देकर मस्जिद से निकल जाता है। मस्जिद को ताले लगाने की आदत ने तो बचा कुचा सब ही खत्म कर दिया। आगे और अगर कहा जाए तो मस्जिद के जिम्मेदारों की दास्तान ही अलग रहती है। मस्जिद की तरक्की या मस्जिद को माशरे के मसाइल को हल करने का मरकज बनाने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ साजिश है, और यह काम सालों साल चलता रहता है। दूसरी तरफ मुक्तदी या फिर मोहल्ले में सरकश नौजवान की तादाद भी बढ़ती जा रही है। वालिदैन बच्चों को सही तालीम नहीं देते तो यह आवारागर्दी पर उतर आते हैं। माशरे की इज्जतदार खवातीन तो इन शरारतियों से परेशान है। जमात को बोल नहीं सकते क्योंकि जमात में पूछने की हिम्मत नहीं होती। मोहल्ले में डीजे लगाया जाता है तो किसी में जरूरत नहीं होती कि इसके घर के सामने जाकर गलत काम को रोक सके। जाहिर है शर पसंदों की हिम्मत बढ़ती रहती है। बिल्कुल एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ है। मस्जिद का इमाम इस डर में नमाज अदा करता रहता है अगर मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलूं तो कहीं दूसरे इमाम को लाया ना जाए, और यही डर खौब के साए में कौम के दीनी रहबर गुजारा करते रहते हैं। मोहल्ले की तीन मस्जिदें कभी एक जगह पर बैठकर तबादला ख्याल नहीं कर सकते। कयामत के करीब हम पहुंच चुके हैं, पर हमारे अंदर का घमंड तकब्बुर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज लाशें देख रहे हैं, हर रोज मरने वालों की तादाद देख रहे हैं, लेकिन हमारा तकब्बुर किसी हाल में कम होने को तैयार नहीं। मुतवली की कुर्सी कोई छोड़ने को तैयार नहीं, और बुराइयां रोकने के लिए कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं, और दुनिया के मुसलमानों की फिक्र का ड्रामा करने से हम बाज नहीं आते। अल्लाह के लिए दुनिया के मुसलमानों की फिक्र छोड़कर अपने घर अपने रिश्तेदारों की फिक्र करें, इन्हें आने वाली मुसीबतों से आगाह करें। पता नहीं आने वाले दिन क्या क्या मुसीबतों से भरपूर है। हमारे पास कोई दूरंदेशी नहीं, दुश्मनों को समझने की, इन्हें भांपने की कोई सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। जो यहूदी मुशरिक बता रहा है वही सच मानने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हमने कोई अब तक मीडिया बनाया ही नहीं, और अगर है तो उसे ताउन करने के हमारे अंदर वो फिक्र है ही नहीं। अल्लाह उसके रसूल का डर हमसे निकल गया है। टीपू की सरजमीन पर बुजदिलों की फसल उग रही है। अगर दुश्मन टीपू जैसे वली को दहशतगर्द कह रहा है तो कर्नाटक के मुसलमानों में यह हिम्मत नहीं के टीपू की अजमत के लिए खड़े हो रहे। जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो हमें एहसास नहीं होता, टीपू पर तो सवाल ही नहीं उठता। खैर, माशरे की फलाह बहबूदी के लिए कामों को अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा काम है, होना चाहिए। मुर्दे दफन करने से लेकर मुर्दे जलाने तक, या फिर बाढ़ में इंसानियत की मदद से लेकर लॉकडाउन में राशन किट या खाने के पैकेट, अस्पताल दवाइयां सब ठीक है, पर कुछ माशरे के तहफ्फुज, माशरे पर आने वाली मुसीबतें, नौजवानों की सही तरबियत, और अगर सरकश नौजवान नहीं मान रहे तो मस्जिद की जमातों में दीनदार तगड़े नौजवानों की टीम बनाकर सरकश अपराधों की धुलाई करें, क्योंकि लातों के बुत बातों से नहीं मानते। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर एकाध दो मामले होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एकाध मुकदमा भी हो जाता है तो ले लिया जाए। कब तक मोहल्ले की जमातें इन आवारागर्दी करने वालों से डरते रहेंगे? मजबूत दीनदार मुजाहिद बनाए, फिर देखना माशरे की बुराई कैसे दूर होती है। उलमा हमारे रहबर है, एकाध वक्त पुलिस थानों को जाने की जरूरत पड़े तो आ जाए। क्या महल चांद देखने के लिए जमा होंगे उलमा? याद रखो, बहुत जरूरी है माशरे को, मस्जिद की जमातों को मजबूत बनाने की। अच्छाई की दावत तभी दे सकते हैं जब बुराई को भी ताकत से रोका जाता है। अब बुजदिली ऐश परस्ती से बाहर आकर कुछ मिल्लत के लिए काम करें। इतना जरूर है कि हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं और कयामत बहुत नजदीक है। जो भी समेटना चाहते हैं जल्द समेट लो, बहुत कम वक्त है और काम बहुत है। दुनिया तो मुकद्दर है, उसी तरह मौत भी मुकद्दर है। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। जब तक अल्लाह नहीं चाहता तुम एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते, भले तुमने जंबो ऑक्सीजन के सिलेंडर घर में ला कर रखे हुए। इतिहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।